हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारा यूट्यूब चैनल मम्मी की रसोई में। तो चलिए आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं एकदम ताज़े नारियल से बनी हुई आइसक्रीम की रेसिपी। ये देखिए, हम एकदम ताज़े नारियल लिए हैं। आज हम नारियल से बहुत ही शानदार आइसक्रीम बनाने जा रहे हैं। इसको हम एक नाइफ से ऐसे, देखिए इसमें यह रहता है, निकाल देंगे। इसका हम पानी निकाल लेंगे और इस पानी को हम रेसिपी बनाने में यूज करेंगे। इसका सब पानी हम निकाल लेंगे। इसके पानी में थोड़ा सा नारियल का सूखा हुआ डस्ट गिर रहा है, उसको हम छान के यूज करेंगे। इसमें ज़्यादा पानी नहीं है, लेकिन तो भी है, जितना हमको रेसिपी में चाहिए उससे ज़्यादा है। अब इसे हम किसी खलबट्टे से थोड़ा सा मारेंगे। ये देखिए, हम नारियल को तोड़ दिए। ये बहुत जल्दी टूट जाता है, एक ही बार में टूट गया। अब इसको ऐसे हम, ये देखिए सभी नारियल को कितना अच्छे से हम निकाल लिए, कितने बड़े बड़े पीसेस में निकले हैं सभी नारियल। इस तरह बहुत आसानी से निकलता है। अब इसको हम छील लेंगे। सभी को ऐसे ही हम छील लेंगे और पतले पतले पीसेस में कट करके इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, सभी नारियल हम अच्छे से छील लिए हैं। अब इसे हम पतले पतले पीसेस में कट कर लेंगे। ये देखिए, सभी नारियल को हम पतले पतले पीसेस में कट कर लिए हैं। अब इसे एक हम ग्राइंडर जार में डाल देंगे। ये देखिए, अब इसमें हम डालेंगे 3 से 4 टेबल स्पून दूध। आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, यदि आपके पास नारियल का पानी हो तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 3 टेबल स्पून पानी। अब इसे हम दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, हम इसका हल्का दरदरा सा पेस्ट तैयार कर लिए हैं। ये देखिए, इसमें एक भी टुकड़े नहीं है। इसको पीसने के लिए इस कटोरी में हम जितना दूध लिए थे वो सब यूज कर लिए हैं। ये देखिए, क्योंकि हम पूरे नारियल का आइसक्रीम बना रहे हैं, पानी बहुत कम यूज किए हैं। अब एक हम बाउल लेंगे, इसमें डालेंगे हम मिल्क पाउडर। ये देखिए, हम 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर लिए हैं और इसमें डालेंगे हम 3 टेबल स्पून पीसी हुई चीनी। ये हमारा पीसी हुई चीनी है। सबको एक साथ मिला करके अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम दूध। इसमें थोड़ा थोड़ा दूध हम डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें गांठे नहीं पड़े और अच्छे से मिक्स हो। आप यदि नॉर्मल दूध से बना रहे हैं तो उसे जला करके 50% कर लीजिएगा। यदि आप फुल क्रीम दूध से बना रहे हैं तो बहुत बढ़िया आइसक्रीम का रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि फुल क्रीम दूध से आइसक्रीम बहुत ही बढ़िया होता है। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए, हमारा मिल्क पाउडर और चीनी अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसमें एक भी गुठलियाँ नहीं है। अब यहाँ हम डालेंगे फ्रेश मलाई। ये हमारी घर की बनी हुई मलाई है। यदि आपके पास फ्रेश क्रीम है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन क्रीम डालने से मार्केट वाली क्रीमी टेक्सचर जो आती है ना, उसका फीलिंग्स आता है आइसक्रीम खाने से, इसीलिए डालिए तो रिजल्ट बेटर मिलेगा। अब एक विस्कर की मदद से हम इसे अच्छे से मिला लेंगे 3 से 4 मिनट तक, ताकि इसमें अच्छे से झाग आ जाए और हमारा मलाई अच्छे से मिक्स हो जाए।
ये हमारी घर की मलाई है तो बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है और बहुत जल्दी ही झाग आ जाता है। आप यदि फ्रेश क्रीम यूज कर रहे हैं तो उसे 3 से 4 मिनट तक मिक्स कीजिएगा। देखिए कितना बढ़िया झाग आ चुका है। अब इसमें हम सभी ग्राइंड किए हुए नारियल का पेस्ट डाल देंगे। अब इसे हम थोड़ा देर मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से हमारा ये मिक्सचर सब मिक्स हो जाए। यह आइसक्रीम बनाने के लिए एकदम परफेक्ट हो चुका है। ये देखिए यहाँ हम आइसक्रीम मोल्ड लिए हैं जो आसानी से किसी भी प्लास्टिक के दुकान में या ऑनलाइन भी मिल सकता है, किसी भी शॉप में या बहुत इजीली मिल जाता है। यदि आपके पास आइसक्रीम मोल्ड नहीं है तो यह कप में भी आप आइसक्रीम बना के खा सकते हैं जो मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। चलिए हम इसमें आइसक्रीम डालते हैं। आपको ध्यान रखना है कि पूरा ऊपर तक हम इसमें नहीं भरें, इसमें जो लाइन दिया है उसके नीचे तक, यानी थोड़ा सा नीचे तक, यहाँ तक हम इसे भरेंगे। देखिए इसमें भी हम डालेंगे, इसमें भी हम आइसक्रीम बना रहे हैं। अब एकदम देखिए बारीक बारीक टुकड़े हम नारियल के काटे हुए हैं, सभी में थोड़ा थोड़ा डालेंगे ताकि आइसक्रीम खाते समय जब मुँह में आता है तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। ये देखिए सभी आइसक्रीम को हम अच्छे से रख दिए हैं। अब इस पर हम अल्मीनियम फॉल से रैप कर देंगे ताकि आइसक्रीम हमारा बहुत अच्छा जमे। ऐसे भी मार्केट में तो मिलने वाली आइसक्रीम है नहीं, आपको जब ही मिलेगा घर में ही बनाने से मिलेगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। इसको ऊपर से हम रैप कर देंगे। ये देखिए साइड साइड से ऐसे हम घुमा घुमा के पूरा इसे अच्छे से रैप कर देंगे ताकि इसमें हमारा बर्फ नहीं जमे, आइसक्रीम ही जमे। नहीं तो अक्सर फ्रीजर में रखने से बर्फ जम जाता है। बहुत अच्छा से कवर हो चुका हमारा आइसक्रीम। थोड़ा थोड़ा कट लगाएंगे, कट हम ज़्यादा नहीं लगाएंगे। देखिए हमारे पास मोल्ड वाला आइसक्रीम स्टिक है, हम इसका यूज़ कर रहे हैं। आप नॉर्मल आइसक्रीम स्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं। बस अब इसे 7 से 8 घंटे हम फ्रीजर में रख देंगे। हमारे आइसक्रीम को फ्रीजर में रखे हुए 7 से 8 घंटा हो गया, कितना बढ़िया जम गया है ना, एकदम ऊपर से बर्फ नहीं जमा है। एक बाउल में हम पानी लेंगे ताकि आसानी से। ये देखिए थोड़ा देर पानी में रखने के बाद ये हमारा आइसक्रीम कितना बढ़िया से और कितना आसानी से निकल जा रहा है ना। तो आपको मार्केट में भी नहीं मिल रहा है ऐसे ताज़े नारियल का आइसक्रीम, तो आपको मार्केट में भी नहीं मिलने वाली है। घर में कितना आसानी से एकदम बढ़िया आइसक्रीम आप बना सकते हैं। ये देखिए हम कप में भी जमाए थे, इसका रैपर हम निकाल दिए हैं। ये देखिए ये भी बहुत आसानी से निकल जा रहा है, वाह। यदि आप लोगों का हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो के एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।